गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। तो देखिए, कंटीन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, किसी काम का जारी रहना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर टेंस में अगर किसी काम की जारी रहने की बात की जाए तो वहां पर होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, बिल्कुल। और इसकी जो पहचान होती है वाक्य के अंत में, यानी हिंदी वाक्य के अंत में, रहा होगा रही होगी, रही रहे होंगे, या फिर ता रहूंगा ती रहेगी, ता रहेगा ती रहेगी, या फिर ते रहेंगे, ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए मोहन बाजार जा रहा होगा, तो फ्यूचर टेंस में उसके जाने का काम हो रहा होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। सीता एक पत्र लिख रही होगी, ओके, बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे, या फिर मैं अपना काम करता रहूंगा, सीता एक पत्र लिखती रहेगी, मोहन बाजार जाता रहेगा, या फिर माता जी किचन में खाना बनाती रहेंगी, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते रहेंगे। इससे ये पता चल रहा है कि फ्यूचर टेंस में काम जारी रहेगा। तो ये हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। अब बात करें अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब था, आई और वी के साथ शैल लगता था, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ लगता था विल, तो वैसे यहां पर भी है, शैल वी लगेगा आई और वी के साथ, और विल भी लगेगा रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा विल वी, ओके, शैल वी विल वी, ध्यान रखना है आपको। और मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म लगेगा, यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, उसके साथ मतलब उसमें मेन वर्ब में आईएनजी जोड़कर जरूर लिखते हैं, ओके। अब सिंटेक्स की जहां तक बात करें, तो प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में मैंने सारे सिंटेक्स वही होते हैं, अफर्मेटिव जैसे बनता है हर सेंटेंस का वैसे ही बनेगा, नेगेटिव जैसे बनता है वैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब कुछ वही है। जैसे देखिए, पहला जो सेंटेंस है, हम लोग तुम्हारी मदद करते रहेंगे, इससे ये पता चल रहा है कि फ्यूचर टेंस में काम जारी रहेगा, और सब्जेक्ट है यहाँ पर वी, तो सबसे पहले हम लिख देंगे वी। वी मीन्स हम या हम लोग, हो गया, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शैल वी, ओके, वी शैल वी, क्योंकि आई और वी के साथ शैल वी का यूज होता है, तो वी आ रहा है, We shall be। इसके बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, तो मदद करते रहेंगे, यानी मदद करना है यहाँ पर मेन वर्ब, हेल्प मीन्स मदद करना, आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा हेल्पिंग। और उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, हर टेंस में वही तो होता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ भी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, किसकी सहायता, यू, तुम्हारी सहायता, We shall be helping you। हम तुम्हारी सहायता करते रहेंगे, हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, आगामी वर्ष वह कानून पढ़ता रहेगा। तो इसमें अगर पूछा जाए कि सब्जेक्ट क्या है, कौन कानून पढ़ता रहेगा, तो आंसर आएगा वह, तो यानी कि जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर वह है, यानी कि ही है, ओके, ही हो गया क्या सब्जेक्ट। इसके बाद लिखेंगे विल बी, विल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आई और बी के साथ शैल भी लगता है, बाकी सबके साथ विल बी। इसके बाद मेन वर्ब पढ़ता रहेगा, तो पढ़ना के लिए क्या हो जाएगा, स्टडी, इसमें जोड़ेंगे आई एन जी, तो ये हो जाएगा स्टडिंग, ओके, तो ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ता रहेगा, और क्या पढ़ता रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, लॉ, एल ए डब्ल्यू, लॉ, यानी कि कानून। अदर वर्ड्स, बाकी जो बचे हुए शब्द है, क्या बचा हुआ है, आगामी वर्ष, यही तो बचा हुआ है, आगामी मीन्स अगले, नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ओके, तो यहां पर लिख देंगे नेक्स्ट ईयर। अब यहां पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो बात को समझ लीजिए, ही विल बी स्टडिंग लॉ नेक्स्ट ईयर, ये क्यों लिखा गया, क्योंकि मैंने ही आपको बताया हुआ है कि अगर पढ़ने का ऑब्जेक्ट पता हो, यानी क्या पढ़ा जा रहा है, अगर ये चीज पता हो तो रीड का यूज करते हैं पढ़ने के लिए, और क्या पढ़ा जा रहा है अगर ये चीज ना पता हो तो स्टडी का यूज करते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यहां पर लॉ लिखा हुआ है, कानून पढ़ता रहेगा, फिर भी मैंने स्टडी लिख दिया है, रीड नहीं लिखा, उसका एक रीजन है, अगर कौन सी बुक या फिर कौन सा सब्जेक्ट या फिर क्या पढ़ रहा है ये पता हो तब रीड लिखते हैं, जैसे कि इतिहास पढ़ रहा है, भूगोल पढ़ रहा है, या फिर समाचार पत्र पढ़ रहा है, या फिर किसी बुक का नाम लिखा हो वो पढ़ रहा है, नॉवेल पढ़ रहा है, अगर ये सारी चीजें लिखी हो तो वहां पर रीड लिखते हैं, लेकिन यहां पर कानून पढ़ता रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो कानून की पढ़ाई पढ़ता रहेगा, एक डिग्री का नाम है कानून, डिग्री मतलब डिप्लोमा भी हो सकता है, डिग्री भी हो सकता है, तो वो मतलब एक सर्टिफिकेट कोर्स है या फिर डिग्री कोर्स है, वो पढ़ रहा है, तो वो पढ़ने की बात की जा रही है, वो कानून पढ़ता रहेगा, मतलब कानून की पढ़ाई पढ़ता रहेगा भाई, जैसे वो इंजीनियरिंग पढ़ता रहेगा तो कोई बुक का नाम थोड़ी ना है इंजीनियरिंग, वो तो एक डिग्री है, वो डॉक्टरी पढ़ता रहेगा, कोई बुक का नाम थोड़ी ना डॉक्टरी,
वो तो एक कोर्स है, तो इसी तरीके से लॉ भी एक कोर्स है, तो इसलिए यहाँ पर स्टडी का नाम मतलब स्टडी लिखा गया, स्टडी का यूज किया गया, रीडिंग ना लिख के। अगला सेंटेंस देखिए, हम लोग आपस में नहीं लड़ रहे होंगे, तो ये है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे वी, वी मीन्स हम या फिर हम लोग, वी पीपल नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा बहुत से लोग गलती करते हैं कि वी लिखते हैं, वी मीन्स हम हो गया, उसके बाद पीपल लिख देंगे, पीपल मीन्स लोग, तो वी पीपल ऐसा नहीं है, वी मीन्स हम या हम लोग, उसी में हो जाता है दोनों, ठीक है, तो वी मीन्स हम लोग हो गया। उसके बाद वी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो लगेगा शैल वी, ओके, आई और वी के साथ शैल वी लगता है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस है तो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, विल वी शैल वी ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर इसमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है यानी नॉट लगाना है तो विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लगाएंगे, यानी विल बी में अगर नॉट लगाना हो तो विल नॉट बी, और शैल बी में अगर नॉट लगाना हो तो शैल नॉट बी, ऐसा करेंगे, यानी शैल और बी के बीच में नॉट लगा देंगे, तो शैल नॉट, उसके बाद लिखेंगे बी। अब लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब लड़ रहे होंगे यानी लड़ना है मेन वर्ब, तो फाइट मीन्स होता है लड़ना, और इसमें आई एन जी लगा देंगे, फाइटिंग। ऑब्जेक्ट नहीं पता है क्या लड़ रहे होंगे या किससे लड़ रहे होंगे, अदर वर्ड दिया हुआ है आपस में, तो आपस में के लिए हो जाएगा among themselves, among themselves। ये सेंटेंस देखिए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता रहूंगा, करता रहूंगा से क्या पता चल रहा है कि भविष्य काल में फ्यूचर टेंस में काम जारी रहेगा। सब्जेक्ट हो गया आई, इसके साथ लिखेंगे शैल बी, निगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए शैल नॉट बी कर देंगे, ओके, शैल बी के बीच में नॉट लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा नहीं करता रहूंगा, प्रतीक्षा करना इंतजार करना, वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना या इंतजार करना, तो वेटिंग। एक चीज मैंने आपको बताया, वेट का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वेट हो, चाहे वेटिंग हो, चाहे वेटेड हो, ठीक है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म या फिर पार्टिसिपल वाला कोई भी फॉर्म हो तो उसके बाद फॉर जरूर लगाते हैं, ठीक है। वेट का कोई भी फॉर्म आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म या आईएनजी वाला फॉर्म, उसके बाद फॉर जरूर लगाएंगे, तब जब ये पता हो कि किसकी प्रतीक्षा की जा रही है, यानी प्रतीक्षा करने का ऑब्जेक्ट जब पता हो, तो वेटिंग फॉर यू, ठीक है, तुम्हारी प्रतीक्षा करने की बात हो रही है तो वेटिंग फॉर यू, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता रहूंगा। अगला सेंटेंस है, क्या मोहन और सोहन झगड़ते रहेंगे, तो यहां पर शुरू में क्या आ रहा है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें शुरू में क्या आता है, तो जब शुरू में क्या आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, यही होता है ना। तो शुरू में जो क्या रहा है उसके लिए हम विल या शैल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है पिछले बहुत से टेंस में कि अगर हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द होते हैं तो शुरुआत में सब्जेक्ट से पहले एक शब्द लिख देते हैं और दूसरा शब्द सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। तो विल वी शैल वी, हमें यही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो विल या शैल पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, मतलब यहां पर सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल वी यूज करना है, तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन और फिर लिखेंगे बी, विल मोहन बी, मतलब सब्जेक्ट इन दोनों हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब वाले इन दोनों शब्दों के बीच में आएगा। अब लिखेंगे मेन वर्ब, विल मोहन और सोहन, तो यहां पर मोहन एंड सोहन ये सब्जेक्ट है तो लिख देंगे मोहन एंड सोहन, अब इसके बाद लिखेंगे बी क्योंकि ये इतना पूरा सब्जेक्ट है, तो विल उसके बाद सब्जेक्ट, मोहन एंड सोहन, इसके बाद लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब है झगड़ा करना, झगड़ा करते रहेंगे, तो क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा करना, उसमें आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, तो हो जाएगा क्वेरलिंग, क्वेरलिंग क्वेश्चन मार्क, ओके, तो ये हो गया बिल मोहन एंड सोहन, बिल बी क्वेरलिंग, क्या मोहन और सोहन झगड़ा करते रहेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, किसान क्या करते रहेंगे, अब क्या बीच में आ रहा है, यानी वाक्य की शुरुआत में नहीं आ रहा, बीच में आने का मतलब ये नहीं कि दो चार शब्द उधर से तो दो चार शब्द इधर से भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बीचों बीच में ही क्वेश्चन वर्ड आए, अगर बीच में कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में वाक्य के शुरू में ही क्या नहीं आ रहा है, बल्कि बाद में कुछ शब्दों के बाद क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है वाक्य में, ठीक है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब,
ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ओके, तो क्या की इंग्लिश पहले हम लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड व्हाट, और इसके बाद लिखेंगे किसान सब्जेक्ट है ना, तो किसान के लिए विल बी का यूज होगा, तो यहां पर लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे द फार्मर, विल द फार्मर्स, क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए लिख दिया फार्मर्स, और इसके बाद लिखेंगे बी। ठीक है, वो क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर विल हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया द फार्मर्स, इसके बाद लगा दिया बी। अब लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, डू मीन्स करना, करते रहेंगे, डू मीन्स करना, उसमें आईएनजी लगा दें, हो जाएगा डूइंग। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया, व्हाट विल द फार्मर्स बी डूइंग, मतलब किसान या किसान लोग क्या करते रहेंगे। अगला सेंटेंस है, क्या शिकारी शिकार नहीं करता रहेगा, मतलब इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं बस, बाकी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं वैसे ये भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया जाएगा विल, क्योंकि शिकारी कौन शिकार नहीं करता रहेगा, शिकारी यानी सब्जेक्ट यहाँ पर शिकारी है, तो शिकारी के लिए हेल्पिंग वर्ब विल होगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल, तो विल, और इसके बाद लिखेंगे शिकारी यानी कि द हंटर, विल द हंटर, उसके बाद लिखेंगे नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट, और फिर लिखेंगे बी। बात आई समझ में, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो विल द हंटर बी लिख देते, नॉट नहीं लगाते, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख के तब बी लगा रहे। इसके बाद लिखना है मेन वर्ब, मेन वर्ब है शिकार नहीं करता रहेगा, यानी शिकार करना मेन वर्ब है, तो हंट मीन्स होता है शिकार करना, उसमें लगा देंगे आई एन जी, हो जाएगा हंटिंग, क्वेश्चन मार्क। विल द हंटर नॉट बी हंटिंग, क्या शिकारी शिकार नहीं करता रहेगा। अगला सेंटेंस है, क्या माली पौधों को पटाता नहीं रहेगा, तो इसमें सब क्या शुरू में आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले लगा देंगे विल, क्योंकि सब्जेक्ट है माली, तो माली के लिए भी विल का यूज होगा, आई और बी के साथ शैल होता है, बाकी सबके साथ विल, तो विल, और सब्जेक्ट हो गया द गार्डनर, विल द गार्डनर, ओके, और यहां पर सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे बी, और फिर आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब है पटाता नहीं रहेगा यानी पटाना, तो पटाने का मतलब होता है सिंचाई करना, इंग्लिश में उसको बोलते हैं वाटर, वाटरिंग यहां पर हो जाएगा, ओके, विल नॉट बी वाटरिंग मीन्स सिंचाई करना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, विल द गार्डनर नॉट बी वाटरिंग, क्या शिकारी सिंचाता नहीं रहेगा, और ऑब्जेक्ट भी यहां पर दिया गया भाई, किसको, प्लांट्स, वाटरिंग द प्लांट्स लिख देंगे, यानी पौधों को। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, क्या माली पौधों को पटाता नहीं रहेगा, यानी विल द गार्डनर नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, कोई भी इशू कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और हाँ चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।